ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, भगवान को, महारानी को प्रणाम करता हूँ। ध्यान ध्यान से समाधि अध्यात्म की परम अवस्था है। ध्यान से इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। ध्यान से आप अपना भला तो करते ही हैं, जो आपके संपर्क में आते हैं उनमें भी पॉजिटिव चेंज आने लगती है। हम नाभि चक्र पे ध्यान कर रहे हैं। नाभि चक्र के ऊपर कितना भी कहा जाए उतना कम है। नाभि चक्र से ही प्राण हमारे हृदय चक्र को, हमारे कंठ चक्र को, हमारे आज्ञा चक्र को और हमारे शस्त्रार्थ चक्र को प्रभावित करते हैं, वहीं से पहुंचते हैं। दोस्तों, जहां पे बहुत जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है, अगर आप आध्यात्मिकता में तरक्की नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दुनियावी रूप से तरक्की करना चाहते हो, आप जो भी हो उसमें और बहुत अच्छा होना चाहते हो, आप अच्छे प्लेयर हो और बढ़िया प्लेयर होना चाहते हो, आप बिजनेस करते हो उसी बिजनेस को और अच्छा बढ़ाना चाहते हो, आप टेलर मास्टर हो उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहते हो, आप आर्टिस्ट हो और अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप जो भी हो उसमें उसकी परम अवस्था को जानना चाहते हो, ध्यान मंत्र जाप आपके लिए एक सीढ़ी का काम नहीं एक एलिवेटर का काम करते हैं। जैसे आपने 50 मंजिल जाना हो, 50वीं मंजिल के ऊपर आपका घर है, सीढ़ियां चढ़ेंगे तो दो बार तो रुकेंगे, जो मेरे जैसा चार बार भी रुकेगा और लिफ्ट में आप विद इन सेकंड पहुंच जाते हो। उससे भी तेज है ध्यान की अवस्था से, मंत्र साधना की अवस्था से तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। नाभि चक्र के नीचे जो अमृत कुंड है, वही अमृत कुंड पूरी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि की शक्तियों को समेटे हुए है। वो आपकी माइंड बॉडी सोल का शक्ति पुंज है, वहीं से ही सब कुछ जाना है। हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां हैं और नाड़ियों का शक्ति पुंज भी नाभि है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, आप ध्यान की परम अवस्था में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचा जाए ध्यान की परम अवस्था में, आप अपने गुरु की सेवा में लगे हो, चाहे उसको आप चाय पिला रहे हो, दूध पिला रहे हो, उसके गार्डन को साफ कर रहे हो,
उसको कहीं ले जा रहे हो, उसकी कोई भी सेवा, उसने आपको कुछ कहा है कि इस व्यक्ति के भले के लिए कुछ करना, आप वो कर रहे हो। गुरु ने कह दिया इन 10 लोगों को खाने का ध्यान रखना, आप वो कर रहे हो। गुरु की तन से जो सेवा कर रहे हो, जैसे दोस्तों गुरु की तन से सेवा हो रही हो, गुरु की कृपा बरस रही हो, मंत्र का जाप चल रहा हो, तो क्या आनंद है। उसी से प्रकाश का झरना फूटता है और ये प्रकाश धीरे 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 नाभी कुंड से, आपके शक्ति कुंड से, आपके अमृत कुंड से जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है और जाने लगता है और जाने लगता है, जब जहां पहुंच जाता है आज्ञा चक्कर पे, दोस्तों ये कमाल है, आप जो आज्ञा करते हो वही होने लगता है, जो आप चाहते हो वही होने लगता है, जो आप सोचते हो वही होने लगता है। ये लिखी लिखाई बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात कर रहा हूं। दो प्रकार की साधना है, शास्त्र सम्मत साधना, शास्त्र से पढ़ करके साधना। शास्त्र ठीक है पर बड़े विस्तृत हैं, जैसे आप एक अच्छे वैद्य जी से दवाई ले आओ और खुद सब जड़ी बूटियां लेकर के दवाई बनाओ और शास्त्र पढ़ो भी, आयुर्वेद को क्या क्या लिखा है। जो अध्यात्म के वैद्य हैं आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु आपकी साधना को इजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं। उनको पता है कि आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, पर आप अपनी मर्जी से सुनी सुनाई बातों से बहुत कुछ करने लगते हो और दोष फिर आप अपने गुरुदेव का निकालते हो। अगर दोस्तों सच में आपने तरक्की करनी है तो आप अपने गुरु चरणों में लीन हो जाओ। ऐसा मना नहीं करता हूं मैं, आप शास्त्र ना पढ़ें, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, पर जब आप गुरु चरणों में जाते हो तो गुरु आपको खाली करता है, आप भरे हुए होते हैं ना, वो खाली करता है फिर कुछ भरता है। कभी कभी बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है, क्या आप गुरु में दोष निकालते हो, गुरुदेव की आलोचना करते हो, उनसे निकालते हो उन्होंने कहां गलत किया, कहां ठीक किया, कहां गलत किया, तो ऐसा मत करना, आपके गुरुदेव जैसा कोई नहीं हो सकता है। गुरु गुरु होते हैं, मुझ जैसे तुष्ट प्राणी पर भी मेरे गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। जैसे आप प्रकाश को ऊपर ले जाना चाहते हो, जैसे आपको सिखाया गया कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, श्वास लें, रोकें, फिर बाहर निकाल लें, फिर रोकें, फिर बाहर निकाल लें, ऐसा 20 से 30 टाइम के बीच करें, जी आप जान गए हैं, आपको पता भी है। जैसे जैसे प्राण की शक्ति अमृत कुंड के अमृत की शक्ति प्रकाश बन करके दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है, ऊपर जाती है, आप प्रकाश में आ प्रकाश में आ प्रकाश में हो जाते हैं। कैसे एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे किसी आम के पेड़ को पूरे पूरे आम लग जाएं तो आमों से नहा रहा होता है वो, फूलों के पेड़ को पूरा फूलों से भर जाए तो फूलों से नहा रहा होता है। ऐसे ही जब आप
उस अध्यात्म प्रकाश से ओतपोत होते हैं, उसको महसूस करते हैं। आप भगवान की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से शावर ले रहे होते हैं। क्या आनंद का शावर होता है, पर इसके लिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, गुरु के चरणों में लगना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण मीन शरीर की शुद्धि चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, एक बात, शुद्ध कपड़े चाहिए, बाहरी शुद्धि, पर मैं बात कर रहा हूं अंतर शुद्धि की। जब आपकी अंतर शुद्धि होती है तो आपका दूसरा जन्म होता है, आप दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। आप अपनी अंतर शुद्धि करें, नहीं तो ऐसी गड़बड़ होगी कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। जितने आप कलीन होंगे, जितने आप अपने गुरु के प्रति नतमस्तक होंगे, सेवा में नतमस्तक होंगे, मन से ईमानदार होंगे, आपके ऊपर अपने आपके पीर की फकीर की कृपा हो जाएगी। आप जो मांगोगे अपने पीर साहब से मिल जाएगा, अपने गुरु साहब से मिल जाएगा आपको। अगर आपके मन में कहीं कपट है, कहीं पाप है, तो हमारा मन, हमारी जो आज्ञा चक्र ऐसा है, जमीन की तरह है, प्लेन जमीन की तरह, कितने फूल लगा लो घास फूस पैदा ही होगा। वो घास फूस को माटी ठीक नहीं करेगा तो गंदगी पैदा हो जाएगी, घास फूस मेन पौधों से बड़ा हो जाएगा। आपके अध्यात्म गार्डन का मालिक आपका गुरु है। अगर आप गुरु की अवज्ञा करते हो तो आपके अंदर ऐसा घास फूस पैदा होगा, आपकी आपका शरीर बीमार हो जाएगा, उस बीमारियों को डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा और कोई स्पिरिचुअल हीलर भी ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे पास ऐसे कितने केसेज आए तो मैंने भेजा कि आप अपने गुरु से जा करके माफी मांगो, गुरु की सेवा करो, गुरु के चरणों में लगो। आप 25 साल पहले, 30 साल पहले चले गए, गुरु आपके इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपने उनकी आज्ञा का पालन करना भी बंद कर दिया, सुनना भी बंद कर दिया, सेवा भी बंद कर दी। जैसे आप नाभि चक्र से प्रकाश को धीरे 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 ऊपर ले जाते हो, जब प्रकाश जहां पहुंचता है आपके आज्ञा चक्र पे, आपकी थर्ड आई पे, तो जहां ब्लास्ट होता है, ऐसा ब्लास्ट होता है आपको पता ही नहीं चलता कितनी रोशनी है, कितनी रोशनी है। और उस रोशनी के अंदर जो आपका संकल्प होता है वो क्रियात्मक रूप लेने लगता है, आपका संकल्प प्रैक्टिकल रूप लेने लगता है। अगर आप रोते रहते हो तो फिर रोते हुए का संकल्प भी प्रैक्टिकल रूप लेता है, आप सेवा का संकल्प लेते हो वो भी प्रैक्टिकल रूप लेता है। इसलिए अभी दोस्तों जो साधना है हमारी ऊपर बढ़ रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मन से, तन से, वाणी से, भावना से शुद्ध हो जाएं। और मैं मना नहीं करता हूं आप बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने का संकल्प करें, बड़े से बड़े घर का संकल्प करें, बड़े से बड़े बिजनेस का संकल्प करें, जो आप में शक्ति है, जो आप क्रिएटिव हो, जो आप कर सकते हैं, उसको आगे आगे बढ़ाने का संकल्प करें। और जितना जितना संकल्प को आगे बढ़ाएं उतना उतना दान पुण्य का संकल्प भी बढ़ाएं। 10% अध्यात्मिकता में खर्च करें, 10% दुनियादारी में खर्च करें, दान पुण्य में, बाकी तो आपके पास है सारा। आप देखेंगे कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैसे आप आगे चलते हो, कैसे आप प्रोग्रेस करते हो। जैसे आप अपने आज्ञा चक्र को खोल लेते हो, आज्ञा चक्र पे बात पहुंच जाती है, तो आपका जो कल्पना होती है वो यथार्थ होने लगती है, कल्पना प्रैक्टिकल रूप लेने लगती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है,
पता नहीं चलता ये यथार्थ है रियल है कि जो मेरी कल्पना है मेरा विजन है, कुछ समझ नहीं आती। और ये अच्छी बात है जहां से आपकी समझ लें कि आपने आध्यात्मिकता में कहीं पहुंच पाए। आप भगवान ने ईश्वर ने हमें पूर्ण बनाया है, उसने किसी भी इंसान की किस्मत में कष्ट लिख के नहीं भेजा। जो आप कहते हो ना मेरी किस्मत ही ऐसी, मैं पैदा ही ऐसे हुआ, मुझे माँ बाप ही ऐसे मिले, मुझे धरती ऐसी मिली, मुझे स्कूल ऐसा मिला, मुझे कॉलेज ऐसा मिला, उनसे दूर हो जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज से इसको बंद कर दें। सभी आप जैसे ही हैं, किसी को स्पेशल कुछ नहीं मिला जहां से जहां पे, सब ऐसे ही तरक्की किए हैं। अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें कि मैं तो ऐसा ही हूं, भगवान परमात्मा ईश्वर गुरु महाराज मुझे कृपा करो मुझे। जब गुरु के पांव लग जाते हैं, जब गुरु का स्पर्श हो जाता है, पत्थर भी हीरा बन जाता है। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव की बात करता हूं। जो 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 शिष्य अपने गुरु के चरणों में लगे वो पत्थर भी हीरा हो गया। पर गुरु की कृपा तभी होती है जब समझा जाए, तो जब उसकी कृपा हो तभी होती है। पर अपना प्रयास तो करें, हम तो प्रयास भी नहीं करते ना। आपको जो गुरु मंत्र दिया है उसका जितना जाप कर सकते हो करो, गुरु की जितनी ही सेवा कर सकते हो करो, तो गुरु की कृपा बरसने लगती है। बरसने नहीं, उस बारिश से भीग जाते हो, बाढ़ आ जाती है। जब आपका यथार्थ आपकी कल्पना प्रैक्टिकल रूप लेती है तो वो सब कुछ होने लगता है जो होना चाहिए। एक बात याद आ गई, बुद्ध भगवान के पास एक उनका शिष्य आ गया, नाम सुर नीति, सुर ऐसा नाम है। तो उस बहुत परेशान हो गया, कहता भगवान बहुत परेशान हो गया, साधना बहुत ऊंची थी। भगवान बोले क्या हुआ बेटा? बोले मैं नरक भी देख आया, स्वर्ग भी देख आया, मैं देव लोगों को भी देख रहा हूँ, राक्षसों को भी महसूस कर रहा हूँ, राक्षसों का तांडव भी देख रहा हूँ, सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है, क्या करूं मैं जो चाहता हूं मेरे सामने हाजिर हो जाता है, मैं दुखी हो गया। भगवान ने कहा तू तेरी साधना अभी तेरी अभी इस तीसरे नेत्र पे ठहर गई है, तो जो भी कल्पना करता है वो यथार्थ हो जाता है, वो भी जो भी यथार्थ होता है वो कल्पना हो जाती है। आप शिव पुराण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, गरुड़ पुराण में भी बार बार आता है कि जो कुछ हम हैं, ये पूरी जो सृष्टि है ये भगवान की कल्पना ही तो है, हम इसको यथार्थ जान बैठे हैं। जो यथार्थ है वो कल्पना है और भगवान का निवास यहीं पे ही है। आप इसी को मंदिर बनाओ, इसी को शुद्ध बनाओ, इसी को प्योर बनाओ, और बाहरी मंदिरों का भी ध्यान दो, उनकी सेवा करो, वही प्रतीक है, वही हमें भगवान के चरणों में ले जा सकते हैं। पर बाहर से भीतर की ओर जाना, भीतर से जहां से ऊपर की ओर जाना, जब जहां पहुंच गए तो सब कुछ हो गया। आज मुझे इतना ही कहना था कि हम साधना की अगली क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। नाभि चक्रा हमारे जीवन का मेन चक्रा है। आप जीवन में फेल हो रहे हो, आपकी प्लानिंग प्रैक्टिकल रूप नहीं ले पा रही है, बार बार ऊपर चढ़ते हो नीचे आ रहे हो, कहीं आपका ध्यान फोकस नहीं हो रहा है, जो करना चाहते हो उसमें परेशानी आ रही है, पारिवारिक खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपकी कमाई में बरकत नहीं हो पा रही है, आपका शरीर बीमार हो रहा है, घर में बीमारी हो रही है, तो आप सोचें कहीं ना कहीं आपके नाभि चक्र में दोष है। और इस नाभि चक्र के दोष को पीछे बहुत बार बताया, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। नाभि चक्र का जो अमृत कुंड है उससे एकाकार होना है और उसमें सभी बातों का ध्यान रखना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, मंत्र का जाप करना है, गुरु जी का ध्यान करना है। आप अपने गुरुदेव की पिक्चर अपने पूजा स्थान में जरूर रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो उन्होंने कहा उसको करें, जो गुरु करते हैं उसको नहीं देखें। गुरु तो पहुंच चुका है जहां पहुंचना था, आप तो अभी जहां बच्चे हो, तो आप जो गुरु कहते हैं उसको करें,
गुरु की बात को सीरियसली लें, उनको ऑनेस्टी से लें। जैसे लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। मेरे गुरुदेव मुझे बचपन में कितनी चीजें समझाते थे, समझ नहीं आती थी। आज मुझे लगता है कि समुंदर बहा करता था, मैं उसमें सिर्फ इतना चुल्ली भर पानी ले पाया, स्नान नहीं कर पाया। आप इस बात को ध्यान से लेना। और जो नाभि चक्र के नीचे का अमृत कुंड है, उसके भीतर जाने की कोशिश करना। भगवान करें कि आप उसमें स्नान कर पाए, उसके अमृत को ऊपर तक ले जा पाए। नेक्स्ट हम हृदय चक्र के बारे बात करेंगे, कैसे हमें उससे एकाकार होना है। अभी हम हासा काला हरीम का जाप करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हो, जो मैं जानता हूँगा जरूर बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी इस विद्या का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अनुभव हैं आपसे शेयर करूँ, और आप जीवन के उस मकाम तक पहुँच पाओ जो चाहते हो आप। हस कल हरीम। आप अपने गुरु जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो जाप ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है उनके उनसे मैं इस मंत्र का जाप करवाता हूँ। आपके जो भी गुरु हैं बहुत आदरणीय हैं, परमादरणीय हैं, वही आपके प्रातः स्मरणीय हैं, उन्हीं के चरणों में लगे। हस कल हरीम। मन में मंत्र जाप करते करते महसूस करें कि नाभि से आप अमृत कुंड से प्रकाश प्राण की शक्ति निकल के धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। आप महसूस भी करेंगे कि कभी कभी जैसे ज़्यादा साधना बढ़ जाती है तो जैसे हम बैठते हैं ना वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, हमारी रीढ़ की हड्डी से जैसे बीच में कुछ सरकता हुआ महसूस होता है, कुछ वाइब्रेशन फील होती है। कैसे महसूस करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये प्रकाश का पुंज धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी से नाभि चक्र से नीचे नीचे ऊपर की ओर जा रहा है। आराम से उस प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करें।
आकाश धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, प्राण की शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। जैसे जैसे प्राण की शक्ति अपान की शक्ति ठहर जाती है तो शिव शक्ति की हम पे कृपा होती है। शिव शक्ति जहां एक हो जाते हैं और वही कैसे शिव शक्ति एक होते हैं, भगवान शंकर मां भगवती की शक्ति आप पे ऊपर कृपा बरसाने लगती है। जो भी जिनके मां इष्ट हैं वो भी भगवान शंकर का जरूर ध्यान किया करें, जिनके भगवान शंकर इष्ट हैं वो मां भगवती का भी करें। हम में मेल में फीमेल की शक्ति भी मौजूद है, फीमेल में मेल की शक्ति भी मौजूद है। जब दोनों शक्तियां एकाकार होती हैं तो वही पूर्ण पुरुष होता है, वही पूर्ण नारी होती है। दोस्तों ये मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप स्पेशल भगवान के भेजे हुए बंदे हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं। आप कभी भी छोटे नहीं हो सकते, आप इस मनुष्य देह में आए हो, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, आगे सब कुछ पॉसिबल है। मन को शुद्ध करें, विचारों को शुद्ध करें, कर्म को शुद्ध करें, भाव अपने आप शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। जो भी करें प्रेम से करें, खाना बनाएं प्रेम से, परोसें प्रेम से, खाएं प्रेम से, जॉब करते हो ड्यूटी करें प्रेम से। जैसे जैसे आप सोचें कि भगवान देख रहे हैं हमें, माता रानी भगवान आपके साथ हैं, अगर आप पूजा जल्दी जल्दी दिया जलाते हो, जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी समेटते हो, तो आप भाव से आगे जुड़ नहीं पाओगे, आप इमोशनली नहीं जुड़ पाओगे। इमोशनली तभी जुड़ पाओगे जब आप प्रेम से करोगे। ये प्राण शक्ति ही वास्तव में मेन शक्ति है, यही हमारे बीच अट्रैक्शन लाती है। इसी अट्रैक्शन से बेतार हम पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं और हम आगे जुड़ते हैं तो भगवान से भी जुड़ जाते हैं। इस शक्ति को अथर्वा भी कहते हैं। इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति हजारों मील दूर बैठा हुआ आपको दुखी भी कर देता है और हजारों मील दूर बैठा हुआ आपको सुखी भी कर देता है। कितना भी दूर हो आप उसके बारे सोचने मात्र से हंस पड़ते हो, आपको लगता है वो मेरे साथ है तो क्या कमी है मुझे। और थोड़ी सी सोच को चेंज कर लो, ये सोच लो जब मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा इष्ट मेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और जब आप उसकी परवाह करने लगते हो ना, जब आप उसके चरणों में चले जाते हो तो फिर मेरी माँ तो राजर्जेश्वरी है, मेरी माँ तो विश्व की मालिक है, वो सब पे कृपा करती है। पर उसके चरणों में लग के तो देखो, उसके चरणों में जाके तो देखो, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में जाके देखो। इसी से अथर्वा से आगे टेलीपैथिकली जो ताकत है पैदा होती है, इसी से हीलिंग की शक्ति पैदा होती है।
इसी से प्रार्थना में जान आती है, प्रार्थना करते हो किसी के लिए बल आता है, इसी से आप किसी के बारे सोचते हो, प्रार्थना करते हो, उस तक पहुंच जाती है। पर जहां शुद्धि चाहिए, जहां कलीन चाहिए, आप शिष्या हो अच्छे शिष्या बनो, बेटे हो अच्छे बेटे बनो, बेटी हो अच्छी बेटी बनो, बहू हो अच्छी बहू बनो, पति हो अच्छे पति बनो, जो भी रिश्ते में हो, अगर आपने आप पे किसी ने इतना विश्वास किया है तो आप इतना दो उसको, आप इतना दोगे तो भगवान आपको बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि आप उसी का काम कर रहे हो। परमात्मा ने अलग अलग ड्यूटी लगाई है, आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई होंगे आप, आपकी प्रोग्रेस, आपकी जिंदगी, आपके सुख और भगवान के चरणों में। अपने इष्ट का ध्यान करते करते अपने आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, उसको विजुलाइज करें, उसको पिक्चराइज करें। जब भी गोल संकल्प पिक्चराइज करना आपकी इस जहां पे, और जैसे जैसे किसी का आज्ञा चक्र जहां होता है, किसी का जहां होता है, किसी का जहां जहां सबसे बेस्ट है, दोनों जे पहली है, जे लेफ्ट आंख, जे तीसरी आंख, जे राइट आंख, दोनों आंखों के बीच में, इसीलिए त्रिनेत्र भी कहा जाता है इसको। और जैसे इसका स्थान चेंज होता रहता है, पहले गुरु पुरुष ब्राह्मण पुरुष आपके तिलक करते थे, जहां आज्ञा चक्र होता था वहीं तिलक करते थे, और जो भी आज्ञा होती थी वो सब शक्तियां फॉलो करती थी आपकी। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी कुछ लोगों का आज्ञा चक्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारी साधना कम हो जाती है, आज्ञा चक्र भी कमजोर हो जाता है। आज्ञा चक्र भी आपकी कमाई जैसा है, कमाई करते रहोगे बैंक में बैलेंस रहेगा, जिस दिन कमाई बंद होगी बैंक से खाना शुरू कर दोगे, बैंक भी खाली हो जाएगा। तो ये कमाई है आपकी, इस कमाई को बढ़ाना है, आप अपने गोल को पिक्चराइज करें, संकल्प को पिक्चराइज करें, आपका संकल्प आपका गोल पूरा हो गया ऐसी भावना करें प्रेजेंट में। आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने कृपा कर दी, प्रैक्टिकल रूप से एंजॉय करें, आपका गोल पूरा हुआ, आपका संकल्प पूरा हुआ, भगवान की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से, आपके गुरुदेव की कृपा से हुआ। थैंक्स करें गुरु महाराज जी का, अपने माता पिता का, परमात्मा का, माता रानी का। मयूर पंख मुद्रा करें,
निरुपंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे। आंख खोलेंगे, टच करेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान माता रानी गुरुदेव आपके बहुत बहुत कृपा करें, आप सुखी हो, संपन्न हो, आपके संकल्प पूरे हों, परमात्मा के चरणों में लगें, परमार्थ में लगें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। ये साधना की छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान दें, और प्राण की साधना जो श्वास की साधना उसको जरूर करें। आगे पूरी पूरी साधना आपकी प्राण पर, आपके श्वास पर निर्भर करेगी। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ।